हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिजेरियंस चैनल पर। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं मतलब कि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है जो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो में ये भी बताया कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो कैसे आप फ्री सब्सक्राइबर और व्यूज़ पा सकते हैं। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो सिक्योरिटी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आप जितना भी सीखें उतना कम है आपके लिए। आज हम सिक्योरिटी से रिलेटेड ही कुछ बात करेंगे। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आप एक एथिकल हैकर हैं और आपका काम कंपनीज को सिक्योरिटी देना है, पर ऐसे में अगर आपका खुद का कंप्यूटर ही हैक हो जाए तो ज़रा सोचिए कि आपके लिए कितनी शर्म की बात होगी। ज़रा सोचिए कि ऐसे में क्या कोई कंपनी आपको हायर करेगी उनके कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जब आप अपने खुद के कंप्यूटर्स को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपनीज के नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स को कैसे सिक्योर करेंगे? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर रख सकते हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया हो कि आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। टिप नंबर 1, अगर आपका ब्राउजर या कंप्यूटर आपको किसी भी तरह की वार्निंग या एरर देता है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बल्कि ये चेक करना कि उसका रीज़न क्या है। वैसे रीज़न 2 हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि आपके कंप्यूटर में सच में कोई वायरस, मालवेयर या ट्रोजन हो जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा हो या आपकी कोई डिटेल्स को चुरा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कोई प्रैंक किया हो, कोई वायरस प्रैंक। वैसे रीज़न चाहे जो भी हो, अगर आपके कंप्यूटर में एरर या वार्निंग आ रही है मतलब कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखने में फेल हो गए हैं। ज़रा सोचिए कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन आपके साथ वायरस प्रैंक कर रहा है और अगर आप उसके ट्रैप में फंस गए हैं तो सोचिए कि आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में जानने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। टिप नंबर 2, हर अकाउंट के लिए अलग और यूनिक पासवर्ड रखिए। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमेशा अपने हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग और यूनिक पासवर्ड रखिए। हर एक अकाउंट के लिए अलग और यूनिक पासवर्ड रखना ज़रूरी है। मुझे पता है कि ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे कई सारी वेबसाइट्स और ऐप पर अलग अलग अकाउंट हैं, और ऐसे में सभी का पासवर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार पहले हम अलग अलग पासवर्ड रखने की इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं तो शायद फिर आपको अलग अलग पासवर्ड रखना ईजी लगने लगे। वैसे तो आप लोगों में से कोई भी अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए ईमेल्स का यूज़ नहीं करता होगा। सभी लोग व्हाट्सअप, फेसबुक या किसी और ऐप का यूज़ करते होंगे, और सिर्फ उन ऐप्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ऐप लॉक या उनके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करते होंगे। पर क्या कभी आपने इतनी प्रोटेक्शन अपने जीमेल अकाउंट को दी है? अगर नहीं दी है तो आज से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका ईमेल आपके बैंक से ज़रूर लिंक होगा और कई सारी बैंकिंग वेबसाइट्स ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए ईमेल पर ओटीपी भेजते हैं। अब ज़रा सोचिए, आपकी बैंकिंग डिटेल्स किसी को पता हो और उसने आपका ईमेल हैक कर लिया हो तो आपका अकाउंट तो 2 मिनट में खाली हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बैंकिंग डिटेल्स किसी और को कैसे पता चलेगी। वैसे आपको बता दूं, हैकर से स्कैमर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। टिप नंबर 3, फ्री एंटीवायरस को कभी डाउनलोड ना करें, और अगर करें भी तो उस एंटीवायरस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। ज़रा सोचिए कि अगर आपके कंप्यूटर में किसी तरह का वायरस, मालवेयर या ट्रोजन आ जाए और जिसने भी आपको ये मालवेयर या ट्रोजन सेंड किया है वो इसकी हेल्प से आपके कंप्यूटर से इजीली आपकी बैंकिंग डिटेल्स या पासवर्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स को ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि कभी ना कभी तो आपने अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन शॉपिंग या बैंक का बैलेंस तो चेक किया ही होगा। तो उस टाइम पर जब आप वो डिटेल्स एंटर कर रहे हों, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हो जो आपकी उस डिटेल्स की एक कॉपी बनाकर स्कैमर या हैकर के पास सेंड कर दे जिसने आपको ये वायरस दिया है। अब उसके पास आपकी डिटेल्स है और जीमेल का एक्सेस वो आपके अकाउंट को हैक करके ले सकता है, क्योंकि आपने पासवर्ड तो कभी स्ट्रॉन्ग रखा ही नहीं या आपने हमेशा पासवर्ड को सेम रखा है। और अगर ऐसा होता है तो आप काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए जिन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है अब वो दोनों ही चीज़ें उस हैकर या स्कैमर के पास हैं। तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने टिप नंबर 2 में क्यों आपको डिफरेंट और यूनिक पासवर्ड रखने के लिए बोला है, कि अगर गलती से भी आपकी बैंकिंग डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स किसी हैकर या स्कैमर के पास चली जाती हैं तो एटलीस्ट वो आपके ओटीपी को पता ना कर पाए। अब टिप नंबर 3 को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको फ्री एंटीवायरस के लिए मना किया है, इसे समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वैसे आपने एक फेमस मूवी तो देखी होगी, गब्बर इज बैक। उसमें लास्ट में हीरो विलन को उसके ही घर में किडनैप करके रखता है, और उसका रीज़न ये है कि हर कोई यही सोचता है कि अगर किसी को किडनैप किया हुआ है तो किडनैपर्स उसे हमेशा उस घर से कहीं दूर ले जाएंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस मूवी में यही बात दिखाई गई है। अब मैं इस मूवी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही प्रिंसिपल हैकिंग के केस में भी लागू होता है। हमें लगता है कि वायरस पेन ड्राइव से या किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से ही वायरस आता है, पर आपको बता दूं कि वायरस को सेंड करने के कई और रास्ते भी हैं,
वो है कि फ्री एंटीवायरस के साथ एक मालवेयर को या ट्रोजन को बाइंड कर दो, क्योंकि एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि उसके साथ कोई वायरस भी आ सकता है। कई सारे हैकर्स एंटीवायरस को मॉडिफाई करते हैं ताकि उस एंटीवायरस के साथ अपने वायरस को बाइंड कर सके और ये एंटीवायरस उनके बनाए हुए वायरस को डिटेक्ट ना कर पाए। और जैसे ही आप ये फ्री एंटीवायरस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रन करते हैं, वो वायरस या मालवेयर जो उस एंटीवायरस के साथ बाइंड हुआ था वो भी बैकग्राउंड में रन करने लग जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब आपके पीसी में एक वायरस आ गया। इसीलिए हमेशा फुल एंटीवायरस को ही यूज़ करो, कोशिश करो कि आप उस एंटीवायरस को बाय कर सको। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक एंटीवायरस को बाय कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप फ्री वर्जन को यूज़ कर सकते हो, पर याद रखना कि फ्री वर्जन को उस एंटीवायरस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। वैसे ये आपको फुल प्रोटेक्शन तो नहीं देगा पर कुछ ना होने से बेहतर है। और जो लोग विंडोज 10 यूज़ करते हैं उनके लिए विंडोज डिफेंडर काफ़ी है, वो भी आपको काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी देता है। अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारी सिजरियंस फैमिली के एक सब्सक्राइबर का कहना है कि मेरे चैनल को कई सारे न्यू यूट्यूबर्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो यूट्यूबर भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, पर चैनल न्यू होने की वजह से ना व्यूज़ मिल पाते हैं और ना ही उन्हें सब्सक्राइबर्स मिल पाते हैं। तो उनका सजेशन ये था कि हमारे सिजरियंस फैमिली में से ही किसी एक रैंडम सब्सक्राइबर को शाउट आउट दूँ मैं अपनी वीडियोज़ में। अगर आप सिजरियंस फैमिली का पार्ट नहीं है और आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सिजरियंस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। वैसे मुझे पर्सनली ये सजेशन काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पर हेल्प मी टू ग्रो वाले कॉमेंट्स आते हैं तो मैं ये शाउट आउट देना शुरू कर दूंगा। और मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम कैसे किसी यूट्यूबर का सिलेक्शन करेंगे शाउट आउट देने के लिए, तो मेरे सभी वीडियोस को पूरा देखते रहिए, मैं किसी भी वीडियोस में आगे का प्रोसेस बता सकता हूं। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। टिप नंबर 4, क्रैक सॉफ्टवेयर को कभी डाउनलोड मत करो। क्रैक सॉफ्टवेयर भी काफ़ी फेमस तरीका है आपके कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल करने का। जैसे कि लास्ट टिप में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ वायरस या ट्रोजन को बाइंड किया जा सकता है, और वैसे भी कई बार हमें हमारा एंटीवायरस रिकमेंड करता है कि इस फाइल या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करो, पर फिर भी हम एंटीवायरस के सजेशन को इग्नोर कर देते हैं और तो और उस एंटीवायरस को कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर देते हैं ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को आसानी से इंस्टॉल कर सकें। वैसे आप में से ऐसा किस किस ने किया है कमेंट बॉक्स में सच सच बताना। अब एक बार जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया फिर एंटीवायरस को दोबारा चालू कर लेते हैं, और ऐसा सच में होता है? क्योंकि कई वेबसाइट पर ऐसा क्लियरली लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पैच फाइल या क्रैक फाइल को इंस्टॉल करना होगा, पर उसे इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने एंटीवायरस को डिसेबल करना होगा। और हम ऐसा कर भी देते हैं क्योंकि उस टाइम हमें होश नहीं होता है, हमें उस एंटीवायरस को डाउनलोड करके यूज़ करने की इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हम इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी क्रैक सॉफ्टवेयर में वायरस हो, क्योंकि कई सारी जेन्युइन वेबसाइट सेफ क्रैक सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करती हैं, बट हमें नहीं पता कि किस सॉफ्टवेयर में वायरस हो सकता है और किस में नहीं, तो बेहतर है कि हम क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। पता चला 1000 रुपये बचाने के चक्कर में किसी ने आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया। और अगर इतना सब कुछ जानने के बाद अभी भी आप क्रैक सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो अपने एंटीवायरस को कभी ऑफ मत करना, और अगर आपका एंटीवायरस किसी भी फाइल को अनसेफ बताता है तो उसे तुरंत डिलीट कर देना, रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। टिप नंबर 5, अननोन ईमेल में दिए हुए अटैचमेंट को कभी डाउनलोड मत करो और ना ही ईमेल्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो। इंडिया में लोग ईमेल को कम ही यूज़ करते हैं, पर फिर भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो ईमेल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है, खासकर कि वो लोग जिनका यूट्यूब चैनल है या जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको कोई अननोन ईमेल आता है और वो आपको किसी लिंक पर विजिट करने को बोलता है तो उस ईमेल को तुरंत ही डिलीट कर दो। इसके भी दो रीज़न है, सबसे पहला ये कि वो अननोन ईमेल है, मतलब कि आप उस सेंडर को नहीं जानते हैं, और दूसरा ये कि वो फिशिंग लिंक या फिशिंग ईमेल भी हो सकता है। कई बार कई लोगों को ऐसे ईमेल भी आते हैं कि आपने लाखों करोड़ों रुपए जीत लिए हैं और आप अपना बैंक डिटेल्स हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको आपके जीते हुए पैसे भेज देंगे। अब अगर किसी को लाखों रुपए फ्री में मिल रहे हों तो इस मेल को देख के कई लोग तो पहचान लेते हैं कि ये एक फ्रॉड ईमेल है, पर कई लोग फ्री में लाखों रुपए लेने के लालच में दिमाग भी नहीं लगाते हैं कि ये एक स्कैम भी हो सकता है, और लालच में अपनी बैंक डिटेल शेयर कर देते हैं। अब स्कैमर्स के पास आपकी बैंक डिटेल है और किसी भी तरीके से OTP मिल जाए तो आपको तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और OTP कैसे मिल सकता है ये मैंने आपको ऑलरेडी टिप नंबर 2 में बताया हुआ है कि आपको क्या सिक्योरिटी रखनी है ताकि किसी को आपका OTP ना मिल पाए। वैसे आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगर आप लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि आपका फ्रेंड और फैमिली मेंबर किसी भी हैकर या स्कैमर का शिकार हो तो उन्हें ये वीडियो सेंड कर दो ताकि वो भी खुद को सेफ रख सकें।
आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हो ताकि लोगों में आप अवेयरनेस फैला सको। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अगर आप भी फ्री व्यूज और सब्सक्राइबर को पाना चाहते हो तो फिलहाल तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दो और न्यू वीडियोस का वेट करो। आगे की डिटेल्स मैं अपनी न्यू वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मेरी सभी वीडियोस को पूरा जरूर देखना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।